वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिस्टी दोई जो हम अक्सर मार्केट से ख़रीद के खाते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉटन का कपड़ा चाहिए। कॉटन के कपड़े के ऊपर हम दही डालेंगे। दही मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून लिया है। इस दही को हमें इस कॉटन के कपड़े में बांध के कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख देना है, जिससे इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा और ये हंग कर्ड का फॉर्म ले लेगा। अब नेक्स्ट हम दूध लेंगे। दूध मैंने यहाँ पे 4 कप लिया है। इसे हमें पहले बॉईल करना है। दूध बॉईल हो गया है तो अब हमें इसे लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा करना है। मैंने यहाँ पे 4 कप दूध लिया है तो मैं इसे 3 कप से थोड़ा कम कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर। आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसे लगातार ऐसे ही चलाना है जब तक दूध बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। हमें इसे ऐसे लगातार चलाते हुए इसकी क्वांटिटी हाफ करनी है, यानी दूध को हमें बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है। दूध को ऐसे ही चारों तरफ से स्क्रच करते हुए हम चलाएंगे। देखिए अब दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो गई है, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। अब नेक्स्ट हमें शुगर को कैरमलाइज्ड करना है। इसके लिए हम पहले शुगर लेंगे। शुगर मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून लिया है और इसे ऐसे चलाते हुए हमें कैरमलाइज्ड करना है। इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस शुगर डालना है और ऐसे लगातार चलाते रहना है। देखिए अब शुगर बिल्कुल पिघल चुका है, तो अब हम पहले थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे जो हमने अभी बॉईल किया था, क्योंकि इसमें उबाल बहुत तेज आता है। अब हम इसमें बाकी के भी दूध को ऐड कर देंगे। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब इस कॉटन के कपड़े से हम दही को निकालेंगे। इसमें से एक्सेस वाटर निकल गया है और ये हंग कर्ड का फॉर्म ले चुका है। अब इसे आप, अगर आपने दही की क्वांटिटी ज़्यादा ले रखी है, आपको ज़्यादा बनाना है, तो आप विस्कर ले सकते हैं। अदरवाइज स्पून से आप ऐसे ही लगातार चलाते हुए इसे बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये दूध। इसमें से अब मैं थोड़ा सा निकाल के इस मिट्टी के कप में भी रख लूँगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन का दही बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे ऊपर से सिल्वर पेपर से मैं ढक के 6-7 घंटे के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो ऊपर से किसी भी प्लेट से ढक के इसे रख सकते हैं। गर्मियों के टाइम में इसे कम टाइम लगता है बनने में और ठंडे के टाइम में थोड़ा इसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसे मैं 6-7 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, 6-7 घंटे बाद चेक करूँगी। देखिए अब मैं इसे खोल रही हूँ और आप देखिए बिल्कुल ये जम चुका है। इसमें से 1 चम्मच दही निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना गाढ़ा बना है और देखने में भी कितना ऑथेंटिक लग रहा है। तो आप भी मेरे मेथड से इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।